बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू इकामा न्यूज़ के मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। तवक्कलना ऐप से जारी आर्जी कर्फ्यू पास कब तक कारआमद है, इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप उर्दू इकामा न्यूज़ पर पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑन करके आल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सऊदी अरब में ईद उल फितर के चार दिन 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज है। इस दौरान ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस से ही इस्तफादा किया जा सकता है। इंतहाई ज़रूरी हालात पेश आने पर वजारत दाखिला की जानिब से स्मार्टफोन्स पर महदूद वक्त के लिए हंगामी बुनियादों पर कर्फ्यू पास जारी किए जा रहे हैं, जिसके लिए तवक्कलना ऐप के ज़रिए इजाज़त हासिल की जा सकती है। वेब न्यूज़ सबक ने तवक्कलना ऐप के हवाले से कहा कि सऊदी अरब के तमाम शहरों में 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज है। इस दौरान इलाज मालजा या हंगामी हालत के अलावा महलों में सुपर स्टोर्स के अशिया खुरनोश लेने के लिए आर्जी कर्फ्यू पास जारी कराया जा सकता है। तवक्कलना ऐप पर जारी किए जाने वाले कर्फ्यू पास महदूद वक्त और मुकर्रर मकाम के लिए ही जारी किए जाते हैं। ऐप पर लॉग ऑन करने के बाद जारी किए जाने वाला कर्फ्यू पास मोबाइल पर अरसाल कर दिया जाता है, जिसे इस्तेमाल करते हुए मोहल्ले की दुकानों से ऐसे ज़रूरियात ख़रीदना मुमकिन है। वज़ारत दाखिला की जानिब से इस हवाले से मज़ीद कहा गया कि तवक्कलना ऐप के ज़रिए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू पास जारी कराया जा सकता है। एक शख्स के लिए हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे या एक दिन में 1 घंटे के लिए ही कर्फ्यू पास जारी किया जाता है। ऐप से जारी किए जाने वाले कर्फ्यू पास में अपने इलाके की निशानदाही करने के लिए लोकेशन अरसाल की जाती है। अलावा एजीन जहाँ जाना हो वहाँ की लोकेशन भी दी जाती है। खुदकार सिस्टम के ज़रिए दोनों लोकेशन को नोट करने के बाद 1 घंटे के लिए पास जारी किया जाता है। पास हासिल करने वाले के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर वक्त के दौरान वापस घर पहुंच जाएं। वादे राय कोरोना वायरस से बचाव के लिए सऊदी अरब में ईद उल फितर के 4 दिन 24 घंटे का मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज है। इस दौरान किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।